दोस्तों आज की कहानी है, भाभी जी आपने मेरी माँ को कमरे से निकाल कर स्टोर रूम में क्यों भेजा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, अगर तुमने हम बहनों की बात नहीं मानी तो हमसे बुरा कोई ना होगा। कहकर संजना ने अपने भाई कौशल का फोन काट दिया और सोफे पर बैठकर तेज तेज रोने लगी। इतने में ही संजना की सास वहां आ गई। ये क्या तरीका है संजना अपने भाई से बात करने का, बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम भाई बहनों की इस तू-तू मैं तुम अपना आपा भी खोती जा रही हो। मम्मी जी आप नहीं जानती कौशल ने क्या किया है। पहले तो माँ को उनके कमरे से निकाल कर स्टोर रूम में रख दिया और अभी जब मेरी छोटी बहन मनस्वी माँ से मिलने गई तब तो वह माँ की हालत देखकर शौक ही गई। ना ही खाने का सही प्रबंधन था, ना उनके रहने का, और तो और इतनी गर्मी में वहाँ पर कूलर तक नहीं लगा रखा है। ऐसी क्या कमी है कौशल के पास में जो माँ को इस हालत में छोड़ रखा है। वो क्या सोचता है हम तीनों बहनें उसको ऐसे ही आसानी से छोड़ देगी। हमारी माँ के साथ उसका ऐसा बर्ताव हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजना क्या तुमने वहाँ जाकर परिस्थिति को पूरी तरीके से जाना। मैं मानती हूँ हो सकता है कौशल ने तुम्हारी माँ के साथ सही बर्ताव नहीं करा हो, लेकिन बातों को इस हद तक आगे मत बढ़ाओ कि बाद में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। मम्मी जी आप कैसे समझ सकती हैं मेरा दर्द। मैंने तो शादी बाद आपको एक दिन भी कभी अपने पिहर जाते भी नहीं देखा है। आप क्या जाने माँ के बिछड़ने का दर्द क्या होता है। संजना की बात सुनकर उसकी सास वहीं जड़वत सी खड़ी रह गई। क्या बोले अपनी बहू को, सही कह रही हो संजना। आंखों में आंसू लिए वह अपने कमरे में आ गई। संजना को लग गया था वह वेग में कुछ ज्यादा ही बोल गई। उसी समय वह अपनी मम्मी के पीछे पीछे गई। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन मेरा मन मेरी माँ के लिए बहुत दुख रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कहकर संजना रोने लगी। संजना सालों पहले ऐसी ही परिस्थिति मेरे सामने भी खड़ी हुई थी। तुम्हारे यहाँ मुद्दा तुम्हारी माँ की संभाल को लेकर है, हमारे यहाँ मुद्दा जायदाद को लेकर था। पिताजी के जाने के बाद माँ को लकवा आ गया था। माँ को लेकर मेरे दोनों भाइयों और हम दो बहनों में लड़ाई हो गई। मुद्दा
केवल इतना था कि माँ के गले में पहनी हुई सोने की सैन आखिर में किसको मिलेगी, पर हम इंसान अपने लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि रिश्तों को ही दाव पर लगा देते हैं। माँ की सैन से बढ़कर माँ के गहनों, माँ के चांदी के जेवरात और भी ना जाने किन किन मुद्दों पर बात बढ़ती ही चले गई। हकीकत में तो मुझे उस जायदाद में कोई हिस्सेदारी चाहिए भी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, बात करते करते राय का पहाड़ हो जाती है। माँ हमारी लड़ाई देखती और सुन पाती थी, लेकिन अपनी तरफ से कभी कुछ जवाब नहीं दे पाती थी। हम बहने यही सोचती कि हम उनका भला सहा रहे हैं, उधर भाई सोचते कि हम अपनी माँ को संभाल रहे हैं। 6 महीने तक हम सारों भाई बहनों में खिस्सा तानी चलती रही। हम दोनों बहनें एक तरफ और दोनों भाई एक तरफ। इसका परिणाम ये हुआ कि माँ के अंतिम क्षणों में हमारा पीहर जाना ही बंद हो गया। और एक दिन सूचना आई कि पिछली रात माँ ने अपने अंतिम सांस ली। मैं भागती दौड़ती अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। मेरे जाते ही मेरी भाभियों ने दरवाजे पर ही जेवरों की पोटली मेरे पाँव पर पटक दी और कहने लगी, ये लीजिए दीदी जेवर, इन्हीं की वजह से आपने हमेशा हमसे लड़ाई रखी है। आप दोनों बहनों ने एक पल भी ये नहीं सोचा कि आपकी इन हरकतों से माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। भाभी, हम दोनों बहनों पर इस तरीके इल्जाम लगा रही थी जैसे गलती केवल हम दोनों की हो। इतना बोलने के बाद भी भाभी रुकी नहीं, वह माँ के उन गहनों का हिसाब मांगने लगी जो हम बहनों ने कभी देखे तक नहीं। उनके हिसाब से हम बहनें जब भी माँ से मिलने आती तो सुपसाप से हम गहने ले जाती थी, लेकिन कहने और सुनने को कुछ नहीं बसा था, क्योंकि जिसके लिए लड़ाई हो रही थी वह तो जा चुकी थी। वह दिन था और आज का दिन है। मैं मेरे ही अमीर से इतना गिरा हुआ महसूस करने लगी कि कभी वहां जाकर कदम रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज भी माँ के उन आंसुओं को सोच कर मेरा हृदय दुख से भर जाता है। हम भाई बहन उनके आंखों के सामने ही इस तरीके से लड़ते जैसे तो हम भाई बहन नहीं सगे दुश्मन हो। उनके अंतिम समय में हमने उनको कितनी पीड़ा और वेदना दी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसी परिस्थितियों में गलती साए किसी की भी हो, अपनी वाणी पर लगाम जरूर रखना चाहिए। संजना, आज भी तुम्हारे भाई तुम्हारी माँ के साथ जो भी कर रहा है उसका इलाज इस तरीके से बातों को बढ़ाना कदा नहीं है। क्या तुम तीनों
बहनों में किसी में से भी हिम्मत है अपनी माँ को अपने घर पर लाने की? क्या तुम्हारी माँ आने को तैयार है? अगर हाँ तो आज के आज मैं उनकी सेवा करने की हामी भर देती हूँ। वह आना चाहे तो उन्हें ले आओ, नहीं मम्मी जी वह तो अपने बेटे के घर को छोड़ने के लिए तैयार तक नहीं है। वो कहती हैं प्राण तो उनके उसी घर से निकलेंगे, ये तो हम बहने ही हैं जो उनके लिए इतना सोच रही हैं। यही तो बात समझा रही हूँ संजना, बात इतनी होती ही नहीं है जितनी बढ़ा दी जाती है। तुम्हारी माँ भी अपने जीवन के अंतिम दिन जी रही है, इससे पहले कि वह दुख में अपनी जान गवा दे, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने बच्चे को इस तरीके से लड़ते झगड़ते देखते हुए मर जाए, उससे पहले अपनी रिश्तों को थाम लो, क्योंकि भाई बहन की लड़ाई में माँ के हिस्से में केवल और केवल दर्द ही आता है। ना वह अपने बेटे की बोल सकती है, ना अपनी बेटियों को अपनी सास से कहे हुए कथन के लिए संजना ने अपनी सास से माफी मांगी और चली गई अपने पीहर। घंटी बजाते जैसे ही कौशल की पत्नी रीना ने दरवाजा खोला, रीना उस पर बेतहाशा चिल्लाने लगी, क्यों आई हैं आप? क्यों हमें हमारे जीवन में सुख सहन से रहने नहीं देती आप तीनों बहनें? भाभी नाराज मत होइए मैं आप से लड़ाई करने नहीं, बस माँ से मिलने आई हूँ। संजना के अपनी माँ से मिलने की बात तरीके से बोलने पर रीना का गुस्सा भी ठंडा हो गया और ले गई उसे अपनी माँ से मिलवाने। बहुत ज्यादा अच्छे हालातों में तो माँ नहीं थी, कौशल सहता तो थोड़ा और प्रबंध अपनी माँ के लिए कर सकता था। देखा तो माँ ने बिस्तर गीला कर रखा था। रीना लग गई अपनी सास को संभालने। कितना मुश्किल होता है किसी 70 वर्षीय महिला के गंदे कपड़े दिन में 10 बार बदलना। अभी रीना ने नीचे से माँ के कपड़े बदले ही थे कि उनके खांसी सलने लगी। रीना ने बड़ी मुश्किल से उनको उठाकर उनके मुंह में दवाई डाल दी। माँ अब सो चुकी थी, इतने में ही कौशल वहाँ आ गया। आ गई दीदी आप भी हम पर अपना गुस्सा निकालने, देख लीजिए कैसे रख रहे हम माँ को। आपको जो भी गुस्सा करना है कर लीजिए, मनस्वी ने पहले ही अपनी हदें पार कर दी है। आपको भी जो कुछ कहना है कह लीजिए, बस भी करो कौशल, माँ देख लेगी तो उनका दिल दुखेगा। मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, माँ के अंतिम क्षणों में तुमसे लड़कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। माँ की हालत देखकर मैं समझ गई हूँ कि माँ को क्यों तुमने स्टोर रूम में रखा। माँ का पुराना कमरा ऊपर होने की वजह से भाभी के लिए उनको संभालना मुमकिन नहीं था। जिसके इतनी तेज खांसी चल रही हो, भला उनके कमरे में कूलर कैसे लगाया जा सकता है?
जो हर थोड़ी देर में अपना बिस्तर गंदा कर देती हो, उनके खाने पीने के लेकर कितनी सजगता बरतनी पड़ती होगी। संजना की बातें सुनकर कौशल का गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। भाई मुझे पता है तू माँ के लिए बहुत कुछ कर रहा है, हम तो इतना भी नहीं कर पाते, हम बहने हर कदम पर तेरे साथ हैं। तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेफिक्र होकर हमें याद कर लेना। हम भाई बहनों की आपस की लड़ाई की नादानियों में कई माँ के हिस्से में केवल दर्द ही ना रह जाए। कहकर संजना वहां से चली गई और अपनी दोनों बहनों को भी कौशल से लड़ने के लिए मना कर दिया। उधर संजना के बर्ताव को देखकर कौशल को भी अपनी गलती समझ में आ गई। अपनी माँ को उसने दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, साथ ही उनके लिए रहने की और उनके रहने और बिस्तर की भी सही से व्यवस्था करी। माँ अब रहने लायक स्थिति में थी। तीनों बहनें आकर अब कौशल पर चिल्लाती नहीं थी। सारों भाई बहन अपनी माँ के सामने बैठकर अपने बचपन की यादों को याद कर कर माँ का मन हल्का करने लगे। थोड़ा समय और बीता। एक दिन आया जब माँ सल बसी, लेकिन जाते जाते माँ के दिल में असीमित खुशी और सैन के भाव थे। माँ खुश थी कि उनकी वजह से भाई बहनों के प्यार में कोई दरार नहीं आई। जरा सी समझदारी ने माँ को दर्द की बजाय खुशियों से भर दिया था। क्या आप भी संजना के उठाए इस कदम की सराहना करते हैं? क्या मीठे बोल बोल कर हम रिश्तों में दरार आने से बचा सकते हैं? तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है।